छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सियासत गर्म है। इस बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश सरकार पर नए सिरे से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन मौतों की संख्या को कम करके पेश कर रहा है। निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ पियोगे तो मरोगे कहकर सारी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार मांग कर रही है कि जहरीली शराब से मरने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया भर में सीएम नीतीश के बयान से बिहार की जनता उपहास और मजाक का पात्र बन गई है। बिहार में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था को धता बता दी गई है और जिस तरीके से सारण जिले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत शराब, जहरीली शराब के सेवन से हुई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो जेडीयू और आरजेडी के लोग भी दबी जुबान से कहने लगे हैं कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आरजेडी के एक एमएलए रहे रणधीर सिंह ने यह स्वीकार किया है कि 150 से ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लोग कम संख्या बता रहे हैं ताकि राज्य सरकार की जिम्मेदारियों पर, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पर्दा डाला जा सके। हम बार बार कहते हैं कि जो शराब पीड़ित हैं, जो जहरीली शराब के सेवन से मरे हैं, उनके परिवारजनों को मुआवजा राशि देनी चाहिए और नीतीश कुमार बिहार सरकार के नीतिगत प्रावधान के बावजूद भी ऐसा करने से मना कर रहे हैं। कोई बेशर्मी की हद ऐसे कैसे कर सकता है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कि कह दे कि पियोगे तो मरोगे और उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार इस तरह से पल्ला झाड़कर जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार या तो उनके परिवारजनों को मुआवजा दें या फिर अगर नहीं संभलता है मुख्यमंत्री का पद तो पद त्याग कर। बताते चलें कि बिहार विधानसभा के पांचवें और आखिरी दिन भी भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा के बाहर पोस्टर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर पर सरकार पस्त, अपराधी मस्त जैसे कई नारे लिखे हुए थे। भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार से सारण में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग की। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बिहार शराब कांड से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।